दोस्तों, मेरा नाम है अजय सागर और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल एआरबी अनबॉक्सिंग। तो भाइयों, एक बार फिर से एक नई वीडियो में स्वागत है आप लोगों का। आज हम अनबॉक्सिंग करेंगे होंडा तो नहीं, खैर एक्टिवा भी नहीं, या ये कह सकते हैं कि एक्टिवा भी है, क्योंकि ये जो है भाई, ये सॉकर है आगे के और पीछे का, पीछे एक लगता है। ये स्कूटी है प्लेजर, हमारा हीरो की प्लेजर स्कूटी आती है जिसके आगे के दो शॉकर और पीछे का एक शॉकर। तो हमने सोचा कंप्लीट शॉकर जितने भी होते हैं स्कूटी में आपको दिखाई जाए, क्योंकि एक्टिवा के ऊपर मैंने वीडियो बना के दी हुई है शॉकर की, प्लेजर के ऊपर नहीं दी है। तो हीरो की भी मैंने सोचा यार बना के दी जाए आप लोगों को, क्योंकि भाई जितने ज्यादा पुर्जे आपको दिखा सकूं उतने कोशिश करता हूं मैं दिखाने की। तो आज हमने सोचा प्लेजर के शॉकर भी दिखाएंगे आपको, और एक और सीक्रेट भी बताते हैं आपको कि ये जो प्लेजर के शॉकर हैं ये सस्ते भी पड़ते हैं एक्टिवा से, परंतु एक्टिवा में भी लग जाते हैं, मतलब एक्टिवा से सस्ते हैं और एक्टिवा में भी लग जाएंगे। तो ये एक आपके लिए मुझे लगता है नया एक वो है जिसे आप जान पाए आज या जान पाओगे अभी वीडियो में, और इसकी अनबॉक्सिंग भी दिखाएंगे आपको, प्राइस भी दिखाएंगे, सब कुछ दिखाएंगे, कितना सस्ता पड़ता है ये आप खुद ही देख लोगे। तो पीछे का शॉकर है जो कि मेस्ट्रो में भी लग जाएगा, प्लेजर में भी लग जाएगा और एक्टिवा में भी लग जाएगा, एक्टिवा के सारे मॉडल में। 6G का अभी मैं क्लियर नहीं हूं, तो 6G का जैसे ही आएगा उसके ऊपर भी अनबॉक्सिंग करेंगे। 6G बोले तो BS6 जो स्कूटी आ रही है उसका, तो उसकी भी जल्दी जल्दी अनबॉक्सिंग दिखाएंगे आपको। फिलहाल इसी से शुरुआत करते हैं। तो ये हमारा आगे के दोनों शॉकर हैं, और दोनों जो होते हैं प्लेजर के अंदर या स्कूटी हमारी एक्टिवा हो या कोई सी भी स्कूटी हो, जो आगे दो शॉकर होते हैं ना, सिंपल मोनो शॉकर नहीं, नॉर्मल शॉकर जो होते हैं वो लेफ्ट अलग होता है राइट अलग होता है, और दोनों की प्राइसिंग जो होती है एक्टिवा की जो है होंडा के अंदर तो सेम प्राइस है, पर स्कूटी में प्लेजर में इन्होंने क्या किया है हीरो वालों ने, एक्टिवा में लेफ्ट और राइट दोनों की प्राइसिंग अलग है, एक सस्ता है एक थोड़ा सा महंगा है। और देखा जाए पीछे का जो प्लेजर का शॉकर है वो भी बहुत सस्ता है, MRP देख पा रहे हैं आप, देख रहे हैं। चलिए अभी दिखा देते हैं। तो सबसे पहले भाई पीछे का ही शॉकर हम जल्दी से अनबॉक्सिंग करते हैं, हम पीछे का शॉकर प्लेजर का जो कि हमारा मेस्ट्रो में भी लग जाएगा, प्लेजर में भी लग जाएगा और एक्टिवा में लग जाएगा। तो भाई ये हमने इसे खोला, आपको इसकी MRP वगैरह बाद में दिखाएंगे, पहले इसे अनबॉक्स कर लेते हैं। टिन पेज कसते खोल रहे हैं हम, क्योंकि टेप से बुरा हाल हो गया इसका, लबड़ लबड़ करके। ये आ जा भाई, शॉकर हमारे बाहर आ गया, तो ये हमारे हाथ में शॉकर आ गया और ये हमारा हाथ में भाई बॉक्स है। चलिए इसकी बॉक्स की अनबॉक्सिंग भी कर ही लेते हैं, दिखा देते हैं आपको। तो पार्ट नंबर है इसका भाई 52400KWP900S। अब आप सोचेंगे KWP पार्ट नंबर है, तो भाई KWP तो एक्टिवा 3G का भी है, यानी कि एक्टिवा होंडा का भी KWP आता है और प्लेजर में भी KWP आता है। तो ये जो शॉकर है ये सिमिलर है, अगर आपको सस्ते में चाहिए तो आप मेस्ट्रो के नाम से खरीद सकते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा भी हुआ है ना मेस्ट्रो, तो ये मेस्ट्रो में भी लगेगा, प्लेजर में भी लगेगा और एक्टिवा में भी लग जाएगा, चाहे एक्टिवा 1G हो, 2G हो, 3G हो, 4G हो, 5G हो, सब में ये लग जाएगा। और सिर्फ 850 रुपए का है, देख रहे हैं बहुत ही सस्ता है, और इसे टेस्ट करना भी बहुत ही इजी है। यहाँ पे देखो इन्होंने UPI कोड दिया हुआ है और ये मोबाइल नंबर पे आप सेंड करेंगे इस UPI कोड को, तो आपको एक वेरिफाइड मैसेज आता है जो ये वेरीफाइड करेगा कि ये शॉकर ओरिजिनल है या लोकल है। तो इसके ऊपर मैं वीडियो बना के दे चुका हूं आपको, अगर नहीं देखिए तो जाइए जल्दी से चैनल पर, उस वीडियो को देखिए और सीखिए नई टिप्स हीरो के पार्ट को कैसे पहचाने की जेन्युइन है या लोकल है। तो चलिए भाई इसे अनबॉक्स कर लेते हैं पैकिंग से और देखते हैं शॉकर की क्वालिटी। तो भाई शॉकर जो है इसके अंदर MSL का ही होगा, क्योंकि MSL जो है भाई 101% जेन्युइन जॉइंट वेंचर है हीरो का ही, जिसे जो कि सिर्फ हीरो को और हीरो क्या होंडा को, इसके ऊपर अभी कुछ दिन पहले एक वीडियो बनाई थी MSL के ऊपर मैंने, कि 100% जेन्युइन शॉकर प्रोवाइड कराता है ये हीरो को, होंडा तक को कराता है और भी कई गाड़ियों को कराता है। तो भाई इसमें भी MSL का निकला है और ये शॉकर की जो क्वालिटी है ना बिल्कुल कतई जहर क्वालिटी है, यानी कि बहुत ही प्रीमियम क्वालिटी का शॉकर है। और यहाँ पे भी कुछ कोडिंग वगैरह दी हुई है इन्होंने, और ये बाकी हमारा नीचे का हिस्सा है जहाँ पे नीचे का बोल्ट टाइट हो जाएगा, ये ऊपर का हिस्सा है, बुश दे रखा है यहाँ पर लगा हुआ है इन्होंने, और यहाँ पे एक बुश अलग से लगता है जो कि जब शॉकर टाइट होता है तो शॉकर का बुश जाता है एक, ठीक है, ये बुश इसमें एक लगा हुआ है, यहाँ पे अलग से बुश लग जाएगा। तो ये हमारा प्रीमियम शॉकर है जो कि एक्टिवा में भी, आपने अगर देखो आपको एक्टिवा के शॉकर की पहचान है कि एक्टिवा के अंदर पीछे कौन सा शॉकर लगता है, तो यही शॉकर है वो जो एक्टिवा में पीछे लगता है, बहुत ईजिली है पहचानना। और आप लोगों को ये बात पता थी या नहीं पता थी मुझे कमेंट्स करके जरूर बताना भाई, क्योंकि मैं जानना चाहता हूँ कि आपको मैं ये इतनी मेहनत जो आपके लिए कर रहा हूँ इससे आपको नॉलेज मिल रही है नहीं मिल रही है, तो ये चीज़ आप मुझे जरूर करना कमेंट्स कि भाई आपको ये बात पता थी या नहीं पता थी कि एक्टिवा मेस्ट्रो और प्लेजर का शॉकर जो होता है वो एक ही होता है, और हम हीरो के अंदर खरीद के अगर होंडा में डालेंगे तो हमें सस्ता पड़ जाएगा। तो इस शॉकर को करते हैं साइड और आते हैं अपना एक्टिवा के फ्रंट शॉकर पे, या ये कह सकते हैं कि मेस्ट्रो के फ्रंट शॉकर पे, या फिर ये कह सकते हैं कि प्लेजर के फ्रंट शॉकर पे। तो देखिए सबसे पहले अनबॉक्सिंग करेंगे, देखते हैं कौन सा हाथ में आता है हमारे। तो भाई ये हमारे हाथ में आया है हमारा मेस्ट्रो का फ्रंट राइट, मतलब R यानी कि राइट है और FR यानी फ्रंट, तो राइट साइड का शॉकर है फ्रंट साइड का। पार्ट नंबर है इसका 51400KWP901S
और लिखा हुआ है यहाँ पे कैश ऑन असेंबली राइट फ्रंट, एमआरपी है इसकी ₹450 इंक्लूडिंग ऑफ ऑल टैक्सेस। तो साथ के साथ दूसरे को भी अनबॉक्स कर ले, एक साथ अनबॉक्स करेंगे और दूसरे वाले स्टिकर को भी देख लेते हैं। तो भाई यहाँ पे स्टिकर जो है टेढ़ा लगा हुआ है, आधा ऐसे और आधा ऐसे, तो थोड़ा सा देखते हैं इसे। पार्ट नंबर है इसका 515000KWP901S, और भाई यहाँ पर एमआरपी है इसकी सिर्फ और सिर्फ 400। तो देख रहे हैं यहाँ पे लिखा हुआ है कैश ऑन असेंबली लेफ्ट फ्रंट, और यहाँ पे लिखा था राइट फ्रंट, एफ आर राइट और एफ आर एल, यानी कि लेफ्ट और राइट। तो भाई ₹400 का जो है हमारा लेफ्ट साइड का है और ₹450 का हमारा राइट साइड का है। तो देख लिया आपने, ₹50 का डिफरेंस है, यानी कि 4 4 8 और 1 850 रुपए के दोनों है। और वहीं इन्हें अगर आप होंडा के अंदर जेन्युइन पैकिंग में लोगे तो ये ₹1000 के दोनों है, एमआरपी ₹1000 की दोनों की। तो चलिए इसे अनबॉक्स कर लेते हैं भाई जल्दी से और देखते हैं इसकी क्वालिटी कैसी है। 101% जेन्युइन है, हीरो की पैकिंग और क्वालिटी भी देखेंगे इसकी। तो भाई अनबॉक्स करते हैं फटाफट से, ये भी देखेंगे कौन सी कंपनी का निकलता है। होंडा के अंदर तो देखो कंपनी का नाम नहीं लिखा था, और देखो यहाँ पे भी इन्होंने बुश दिया हुआ है। देखो होंडा में भी जो बुश है वो साथ में निकलता है, और हीरो में भी बुश जो है साथ में निकल रहे हैं, जिसे ग्रीन बुश बोलते हैं। तो शॉकर की क्वालिटी भाई डिट्टो सेम है, जैसी होंडा में निकली थी वैसी ही है, बिल्कुल कोई फर्क नहीं है क्वालिटी में। आप देख रहे हैं क्वालिटी में कोई भी फर्क नहीं है, बस कंपनी का नाम दूसरों में कि एमएसएल लिखा है कहीं या नहीं लिखा है। वैसे होगा तो ये भी एमएसएल का ही, क्योंकि एमएसएल ही 100% जेन्युइन शॉकर प्रोवाइड कराती है। यहाँ पे कुछ कोडिंग वगैरह लिखी हुई है जो कि सही से दिख नहीं रही, बस एलएच लिखा हुआ है, यानी कि लेफ्ट साइड का है। तो भाई दूसरे शॉकर को भी अनबॉक्स कर लेते हैं फटाफट से और देखते हैं इसको भी कि ये क्वालिटी में कैसा है। और ये हमारे हाथ में आ गया दूसरा शॉकर भाई, लेफ्ट राइट का देखो, इन्होंने एक व्हाइट दिया एक ब्लैक दिया, ये हो सकता है पहचान है कि लेफ्ट साइड का कौन सा है राइट साइड का कौन सा है, ये मतलब कंफ्यूजन ना हो पहचानने में। तो यहाँ पर भाई इसके ऊपर भी इन्होंने कहीं लिखा है या नहीं लिखा है, तो यहाँ पे देखो यहाँ पे आर एच लिखा हुआ है और यहाँ पे इन्होंने एल एच लिखा हुआ है। तो ये बहुत अच्छा है कि शॉकर की पैकिंग के ऊपर भी लिखा हुआ है और शॉकर के ऊपर भी इन्होंने मेंशन किया हुआ है कि शॉकर जो है किस साइड का है। बाकी यहाँ पे भी शॉकर पे देख रहे हैं हम, कहीं कुछ भी नहीं लिखा हुआ दिख रहा हमें, परंतु शॉकर की जो क्वालिटी है ना बहुत प्रीमियम है और हैवी है यार, ताकत लगाई मैंने, देखो ताकत लगाई और मतलब मजबूती है। वैसे यार पिदगू पिदगू से दो शॉकर हैं, अगर मैं मुझसे आप अगर इन शॉकरों का ओपिनियन पूछोगे ना, तो मैं तो बस इतना ही बोलूंगा कि इन शॉकरों में उतना दम नहीं है जो टेलीस्कोपिक शॉकर में आता है, जो कि एक्सेस में आते हैं, एक्टिवा 125 में भी आते हैं और जुपिटर में भी आते हैं। प्लेजर ने, मेस्ट्रो ने और होंडा ने पता नहीं क्यों ये पिदगू से शॉकर दिए हैं अपनी गाड़ियों में, पैसा क्यों बचाया इतना, इनकी ज्यादा वो नहीं होती, लाइफ नहीं होती। खैर इस बारे में आपको अगर कुछ पता है तो मुझे कमेंट्स करके बताना कि आपको ये वाले शॉकर ज्यादा पसंद है या फिर टेलीस्कोपिक शॉकर जो आते हैं, जो एक्सेस में आते हैं या एक्टिव 125 में आते हैं, जिसमें शॉकर सील लगती है और जो रिफिल हो जाता है शॉकर, वो वाले शॉकर ज्यादा चलते हैं। तो आप मुझे ये कमेंट्स करके बताना। बाकी ये वीडियो कैसी लगी आपको मुझे कमेंट्स करके जरूर बताना। मिलते हैं दोस्तों किसी और दिन किसी और नई अनबॉक्सिंग में, तब तक के लिए गुड बाय।